हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नया एक ऑनलाइन फ्रॉड अभी मार्केट में आया है इसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को नए देख रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, ऐसे अपडेट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा वाला बटन है वो भी आपको दबा देना है। इससे आपको क्या होगा, हम लोग जब कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस ऑनलाइन के ज़माने में हम लोग जितना हो सके ऑनलाइन से ही ज़्यादातर पेमेंट करने का पसंद करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, टेलीफोन का बिल करते हैं, मोबाइल का बिल पेमेंट करते हैं, और डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे में हम लोग ऑनलाइन से ही बहुत सारा पेमेंट करते हैं अभी इस दौर में। तो दोस्तों, क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी फ्रॉड कंपनियाँ हैं जो वो बैठे रहते हैं लोगों के पैसा को हड़पने के लिए ऑनलाइन तरीके से। ऐसे में बहुत सारा जो फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड लोग है, यूज़र को लोग को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके उनका जो एटीएम नंबर है वो मांगते हैं, उन लोग का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मांगते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे भी कुछ लोग हैं, भोले वाले लोग जो नंबर दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उन लोगों का जो बैंक अकाउंट है, बैंक उनका जो पैसा है वो चोरी हो जाता है। तो अभी जो ये सिस्टम है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, लोगों को इसके बारे में पता लग गया है। तो लोग तो अभी इसमें झांसे में पड़ने वाला नहीं है, और उन जो फ्रॉड कंपनियां फ्रॉड लोग हैं उन लोगों को भी पता चल गया है। तो हम लोगों का जो इनकम है, तो अभी तो ये नया जो पुराना तरीका है, पुराना तरीका से हम लोगों का इनकम नहीं चलने वाला है। तो उन लोगों ने अभी नया एक प्रोसेस, एक नया सिस्टम चालू किया है, वही मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसे कि आप पहले से ही सतर्क हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे घटना घटी है हमारी एरिया में। तो हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा एक फास्ट फूड का दुकान है, दुकान में बहुत सारा फास्ट फूड का खाना मिलता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि तो उन लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी भी देते हैं, जैसे कि गूगल में भी उन लोगों का नंबर है, और लोग फ़ोन करके भी अपना ऑर्डर बुक करते हैं और जाके भी ऑर्डर बुक करते हैं, और उन लोगों ने भी होम डिलीवरी भी देने की प्रोसेस है। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ कि कुछ दिन पहले रात की बात है, रात 9 या 10 बजे एक आदमी दुकान में फ़ोन किया, दुकान के ओनर को फ़ोन किया, नंबर लिया था गूगल से। फ़ोन करके ये व्यक्ति अपना परिचय डिफेंस में दिया है, वे डिफेंस में काम करते हैं। तो बोला है कि हम लोग 10-12 लोग हैं, हम लोगों को एक कई फूड डिलीवरी चाहिए, तो हम लोग 1 घंटे बाद फूड आके ले जाएंगे, आप बना के रखना। तो दुकान का जो ओनर है उन्होंने ये ऑर्डर रखा, और जो जो चीज़ मांगा वो सामान रेडी करके रख दिया। तो 2 घंटे बाद ओनर ने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, बोला कि आपका ऑर्डर रेडी है, आप आके ले जा सकते हो। तो फ़ोन के उस पार से उन्होंने बोला, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम लोग अभी ड्यूटी में हैं, तो कोई भी लोग अभी आके डिलीवरी नहीं ले सकते, आप एक काम कीजिए, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मुझे व्हाट्सअप करके दे दीजिए। दुकान के उन्होंने किया कि अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो व्हाट्सअप करके उनको दे दिया। तो इसके थोड़ी देर बाद ही उन व्यक्ति ने मिसेज के व्हाट्सअप से, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो अभी काम नहीं कर रहा है, आप एक काम कीजिए, आपका जो एटीएम है इस एटीएम का एक पिक्चर मुझे व्हाट्सअप में सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो एटीएम का पिक्चर भी सेंड कर दिया। तो थोड़ी देर बाद और एक मैसेज आता है, अभी आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे देना है, तो आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट था 2 या 2,500 के करीब पेमेंट था, वो पेमेंट मैं ऑनलाइन से आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तभी ये बात, ये जो दुकान का ओनर है, ये बात संदेहजनक लगी, उन्होंने ओटीपी देने से इनकार कर दिया। ये जो ओटीपी है, सॉरी मैं ये ओटीपी आपको नहीं दे सकता, ये ओटीपी आपको शेयर नहीं कर सकता। तो उस पर से बोलते हैं कि तभी आपका जो ऑर्डर है ये तो सॉरी कैंसिल करना पड़ेगा, अभी तो मुझे कैश नहीं है और अभी मैं आ भी नहीं सकता, तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल करना पड़ेगा, आपको मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो ऐसे में दुकान का जो ओनर है, तो फूड तो अभी रेडी था, तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और उनका जो फूड है तो अभी वेस्ट हो गया। रात 10 या 11 बजे की ये बातें हैं। दोस्तों, बाद में पता चला ये जो व्यक्ति अपना फूड ऑर्डर कर रहा था, एक्चुअली फूड नहीं ऑर्डर कर रहा था, फूड की खाने की आर्मी है, उन दुकान का जो ओनर है उन ओनर का जो पर्सनल डिटेल्स है वो चोरी कर रहा था। तो ऐसे में दुकानदार जो अपना ओटीपी है वो दे देता, तो उनका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता। दोस्तों, ये बात तब पता चली जब मीडिया ने ये बात को खबर के माध्यम से टीवी में दिखाया, तभी बात ये पता चली। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही सतर्क करना चाहूँगा, अभी जो पुराना तरीका है वो तो बंद हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे तरीक़ों से फ्रॉड कंपनी या फ्रॉड कॉल आप लोगों को डिफरेंट तरीक़े से फ़ोन कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं आपका पिन चाहिए, आपका नंबर चाहिए, और भी कुछ तरीका हो सकता है, जैसे कि ये तरीका जो आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग पहले से सतर्क रहना। दोस्तों, और एक बात आप लोगों को जानना चाहिए कि एटीएम का जो पिन नंबर है, एटीएम नंबर है और बैंक का जो डिटेल्स है, वो कभी भी बैंक का कोई भी बैंक के कर्मचारी आपको फ़ोन कॉल करके नहीं बताएगा कि ये मुझे चाहिए,
उन लोग का चाहिए होता तो उन लोगों का आपका जो पर्सनल डिटेल्स है तो बैंक में ही है, तो उन लोग बैंक से ही कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बैंक कर्मचारी इसके लिए आपको फ़ोन नहीं करेगा, और इसके अलावा भी कोई भी फ़ोन आपको करता है तो ऐसे में आप पहले बैंक में जाइए, ना कि उनको अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो दे दीजिए। दोस्तों ऐसी फ्रॉड कॉल से आप, ऐसी फ्रॉड सिस्टम से आप बच के रहना। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सतर्क करना था, अभी जो नया नया सिस्टम अभी फ्रॉड का आ रहा है इससे आप बच के रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और इसके बारे में आपका कोई भी जानकारी और भी कुछ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताइए। तब तक के लिए खुश रहे, सलामत रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।